हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो उसमें भी हम सबसे पहले लाइंस और एंगल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो लाइन कोई भी वो ज्योमेट्रिक फिगर है जो स्ट्रेट होता है और उसको दोनों डायरेक्शन में कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, तो ये एक स्ट्रेट फिगर है और इसको हम दोनों तरफ को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। अब लाइन से ही बनता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर लाइन का कोई मैं एक हिस्सा निकाल लूं जो दोनों तरफ को, जिसका एंड पॉइंट हो, मतलब दोनों तरफ को वो खत्म हो रहा हो, तो ऐसी लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां तक ब्रेक कर लूं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट साइड में भी एंड पॉइंट है, राइट साइड में भी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इस ऐसी लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन और ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एक लाइन में से एक हिस्सा निकाल लें जिसका एक तरफ एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं हो, तो उसको हम रे बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसमें से ही अगर मान लो एक हिस्सा निकाला जिसका एक तरफ एंड पॉइंट है, ठीक है, एक तरफ एंड पॉइंट है लेकिन दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं है, यानी इसको इस तरफ से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको हम रे बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंगल होता है वो लाइन से ही मिलकर बनता है, या मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो रेज से मिलकर बनता है। तो जब भी दो रेज सेम एंड पॉइंट से निकल रही होती है तो उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे ये एक एंड पॉइंट हो गया इस रे का भी और ये दूसरी रे के लिए भी एंड पॉइंट है, तो इससे मिलके जो बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक। और ये जो रेज हैं इनको हम आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, ठीक, ये भी और ये भी, ठीक है। और जहां पे इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस की और एंगल्स की। तो लाइन को सब डिवाइड किया जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में और पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी यानी किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, ठीक है, या फिर पैरेलल होंगी यानी वो कहीं भी मीट नहीं कर रही होंगी, ठीक। इसी टाइप से एंगल्स को भी कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में। तो इसमें सबसे पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो जो भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बन रहा होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बन रहा होता है वो हमारा राइट एंगल होता है, और जो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बन रहा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री पे बन रहा होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, या लाइन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो जब एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में एंगल बन रहा हो तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल्स की थोड़ी एक आधी प्रॉपर्टीज और होती है कि जब भी दो एंगल्स को हम जोड़ लें साथ में और उनका सम 90 डिग्रीज हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्रीज हो रहा है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, अब लाइंस और एंगल्स को अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने खूब सारी रेज बनाई हुई है, तो उन रेज से अलग अलग एंगल्स बन रहे होंगे और खूब सारे एंगल्स बन रहे होंगे, ठीक है। तो इन सारे एंगल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स, ठीक। अब क्योंकि ये एंगल्स हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाए तो इन सब एंगल्स को अगर हम ऐड कर ले तो इनका सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो इसलिए जितने भी ये लीनियर पेयर बनते हैं इनको ऐड करके, या जितने भी एंगल्स हैं इनको ऐड करके जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करनी होती है किसी एक पॉइंट पे तो उससे मिलके भी एंगल्स बनेंगे उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे बन रहे 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी एंगल दूसरे एंगल के जस्ट वर्टिकली अपोजिट होगा वो उसके इक्वल होता है, ठीक। अभी एंगल 1 जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल, ऐसी एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे सीधा करके देख लें तो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है तो ये इक्वल होंगे, ठीक। तो ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक।
तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को प्रूव भी कर सकते हैं कि वो इक्वल होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं दो लाइन एल और एम जो इंटरसेक्टिंग है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये हमें ये वाला एंगल पता है इसका 50 डिग्री है। तो क्योंकि एल एक स्ट्रेट लाइन है या लाइन है, तो लाइन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि उसका जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है और स्ट्रेट होती है। तो अगर ये 50 डिग्री है एंगल, तो ये वाला एंगल निकाल देंगे हम 180 में से माइनस करके, तो ये वाला एंगल 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही जो एम है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इतना एंगल पता है हमें, तो ये वाला पोर्शन भी पता लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये एंगल बन रहा, ये पूरी लाइन बन रही, तो ये 130 डिग्री है, तो 180 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया। सिमिलरली ऐसे ही करके अब ये लाइन एल थी जो, उसको फिर से देखें तो ये वाला एंगल पता है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो ये 50 है, तो ये 180 माइनस 50 हो जाएगा, तो ये एंगल भी 130 हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, तो दिख रहा होगा ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल, ये इधर वाला लेफ्ट वाला एंगल राइट वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक, तो आप बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स की, पर उससे पहले पैरेलल लाइंस की एक और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास और उसके बीच में जो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, और इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में बात करने से पहले एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसवर्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा हो, और उनको कोई एक लाइन किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हुई चली जाए, तो उसी लाइन को हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए एल और एम दो लाइंस हैं और जो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक, और इसको एक पी लाइन एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है एल को भी और एम को भी, तो इसी लाइन को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक, तो जैसे अभी हमने बात करी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी तो एक ट्रांसवर्स अगर उसको कट करते हुए जा रही होगी तो तब भी क्या होगा, एंगल्स बन रहे होंगे इसके बीच में। ठीक है, तो अगर इसके बीच में एंगल्स बन रहे होंगे तो हमेशा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा, मतलब डायगनली अपोजिट जैसे दिख रहे हैं जो एंगल्स, वो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ऐसे ही एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट। ठीक, और इसमें भी जो अंदर एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और जो बाहर है इस लाइन से बाहर की तरफ को हैं और इक्वल हैं एंगल्स, उनको हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई एक ट्रांसवर्स क्या कर रही होगी, एक दो पैरेलल लाइन को कट कर रही होगी, तो जब वो पहली वाली लाइन के साथ अंदर की डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है और जो वो एंगल दूसरी लाइन के साथ अंदर वाली डायरेक्शन में बना रही है, वो एंगल्स इक्वल होंगे। ये अगर लाइन एल है और ये एम है और ये पी है, तो लाइन एल के साथ ये पी अंदर की तरफ एंगल बना रहा है वन, और इसके साथ ये एंगल बना रहा है अंदर की तरफ टू, तो ये वन एंगल इक्वल टू टू, ऐसे ही ये अंदर की तरफ थ्री और ये फोर, तो ये दोनों भी इक्वल। ऐसे ही जो बाहर की डायरेक्शन में एंगल बना रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, ये बाहर की तरफ इसके साथ एंगल बना रहा है फाइव और इसके साथ सिक्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इक्वल। ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में ये वाले एंगल्स, ये इक्वल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो एंगल्स हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये जो बाहर की डायरेक्शन में बन रहे हैं, बाहर की डायरेक्शन में बने जैसे एंगल सेवन, एंगल एट, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो इक्वल है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये एंगल्स आपस में इक्वल कैसे होते हैं। ठीक है, तो मान लो आपको कोई एक एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे होंगे, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 50 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कि दो लाइन जब भी पैरेलल होती है तो उनके बीच के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा ये एंगल भी। अब दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल। ऐसे ही अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूं तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और अगर ये 50 हो गया तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल का और इस एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा फिर 180 डिग्री माइनस 50 करके 130 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गए।
सिमिलरली हम ये और ये एंगल भी इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 50 प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, तो ये 180 में से 50 माइनस कर लेंगे तो ये 130 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये 130 आ जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी सेम, ठीक है। ऐसे ही आप बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो जब भी दो पैरेलल लाइंस हो हमारे पास और एक ट्रांसवर्स उन दोनों से पास करती हुई जा रही हो, तो हमेशा ये वाला एंगल जो एंगल वन हो गया और एंगल टू इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसके इस तरफ लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्स उसके थ्रू पास कर रही है, तो वो ट्रांसवर्स जो उस पहली लाइन के साथ ऊपर की डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा होगा, ठीक है, और ऐसे ही वो दूसरी लाइन के साथ ऊपर की डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा होगा वो आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। सिमिलरली वो उस लाइन पहली लाइन के साथ नीचे की डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है और जो दूसरी लाइन के साथ नीचे के डायरेक्शन में एंगल बना रहा है वो आपस में इक्वल, यानी एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। तो इन्हीं एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल कैसे होता है। तो कंसिडर करो कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो हम कंसिडर करते हैं ये वाला एंगल 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ये जो पी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 होता है, तो इसको 180 में से 30 डिग्री माइनस कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये 150 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि दो जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है, कोइंटीरियर एंगल्स बन रहे होते हैं, तो ये 30 डिग्री हो गए। सिमिलरली ये लाइन है फिर से एक स्ट्रेट और इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 30, तो ये एंगल आ गया 150 डिग्री। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा।